राजनांदगांव भारतीय खेल प्राधिकरण सेंटर के दो महिला खिलाड़ियों ने कमाल किया है, अपने खेल का जौहर दिखाया है और अंडर 16 जॉर्डन में होने वाले एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का हिस्सा बनी है। भारतीय बास्केटबॉल टीम में प्रार्थना सालवे और मोनी अडला का चयन हुआ है। साथ ही एक दिन के अंदर पासपोर्ट बनवा कर दिए जाने पर प्रार्थना सालवे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार भी व्यक्त किया है। बेंगलुरु में खेले गए ट्रायल और सेलेक्शन मैच में भारतीय खेल प्राधिकरण राजनांदगांव की दो खिलाड़ी प्रार्थना सालवे और मोनी अडला का चयन भारतीय बास्केटबॉल टीम के लिए हुआ है। जॉर्डन में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है। अंडर 16 के लिए इन खिलाड़ियों का चयन हुआ है और यह खिलाड़ी जॉर्डन में अपना जौहर दिखलाएंगे। राजनांदगांव की पहचान अब बास्केटबॉल में धीरे धीरे होने लगी है और यहाँ के खिलाड़ी भारतीय टीम में अपना खेल का जौहर दिखा रहे हैं। वहीं प्रार्थना सालवे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। उनके पासपोर्ट बनने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ही दिन में पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध करवा दिया, जिसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं इंटरनेशनल कोच के राजेश्वर राव का कहना है कि भारतीय खेल प्राधिकरण राजनांदगांव की दो बच्चियों का चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। यह भारतीय बास्केटबॉल टीम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और यह शहर ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए गौरव की बात है। हो गया। अभी बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया द्वारा जो एक सिलेक्शन कैंप चल रहा है बेंगलोर में, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप अंडर 16 एज ग्रुप के लिए होनी है अम्मान जॉर्डन में, उसके लिए ये कैंप चल रहा है। इस कैंप में राजनांदगांव के दो बालिकाएं प्रार्थना सालवे और मोनी अडला भाग ले रहे हैं। इनमें से प्रार्थना सालवे की एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी कि वीज़ा के लिए 6 मंथ की मिनिमम वैलिडिटी होना चाहिए, वो वैलिडिटी नहीं थी। जैसे ही इस संबंध में, क्योंकि फेडरेशन ने उनको बोला कि इसको अविलंब पासपोर्ट को रिन्यू करा के दें, एक दिन में करा के दें, ताकि वहाँ वीज़ा का जो लास्ट डेट थी उसको फुलफिल किया जा सके। तो जैसे ही इस बात की जानकारी स्थानीय कलेक्टर और SP साहब को हुई, और कलेक्टर साहब ने फिर CM हाउस में भी बात करी और CM साहब ने उसमें व्यक्तिगत रुचि लेते हुए ये पासपोर्ट एक ही दिन में बनवा दिया, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जो अदरवाइज ये एक लंबी प्रोसेस है कि कम से कम 3 से 4 दिन में पासपोर्ट मिलता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, थाने से वेरिफिकेशन होता है, ये सारी प्रक्रिया उन्होंने लाइनअप करके एक ही दिन में कम्प्लीट करा के दी। इसके लिए हम CM साहब का, कलेक्टर साहब का, SP साहब का, सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और प्रेस मीडिया के भी कुछ सहयोगी ने इसमें हमें सहयोग किया, उसके भी हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम प्रार्थना सालवे है, मेरा सिलेक्शन इंडियन बास्केटबॉल टीम में हुआ है, जो कि जॉर्डन में आयोजित एशियन बास्केटबॉल गेम्स में भाग लेने वाली है। विदेश जाने के लिए 6 महीनों का पासपोर्ट वैलिडिटी होना आवश्यक होता है, जो कि मेरा एक्सपायर हो गया था। मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए डाली थी, जिससे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री माननीय भूपेश बघेल जी की विशेष प्रयासों से मेरा पासपोर्ट का काम एक दिन में ही संपन्न हो गया। मैं छत्तीसगढ़ शासन और माननीय श्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिससे मेरा काम संपन्न हो चुका।